हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं टू कलर से आपको बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 7 नंबर की नीडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। और ये देखिए, मेरे पास चुन्नी थी तो मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी इसकी पट्टियाँ बनाई है, ये आप देख सकते हो। तो आपके पास चुन्नी हो या साड़ी हो, कोई भी आप कपड़े की पट्टी लेके और आप सुंदर सा ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के बताऊंगी। आप यहाँ पे एक स्लिप नोट भी लगा सकते हो और आप बिना नोट के भी डाल सकते हो। ये देखिए, सबसे सिंपल फंदे हैं ये। ये देखिए, एक हमने नोट लगा ली और ऐसे हम डाल लेंगे। ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसमें 16 फंदे डाल लेती हूँ, फिर इसमें हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से देखिए, मैं इसमें एक कलर और लगा लूँगी। और देखिए, हम ऐसे लपेट लेंगे। लपेटने से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। ध्यान से देखिए, दूसरा कलर मैंने इसमें लगा लिया है। और इस पट्टी को भी हम इसी के अंदर ऐसे रोल कर देंगे। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया फंदा बढ़ाने का। लास्ट तक इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए, 2 फंदे मैं लास्ट में छोड़ दूंगी और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। पूरी रो ये साइड से हमारी सीधी साइड है, ये पूरी रो हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये फंदा भी हम बना लेंगे और बड़ा हुआ फंदा भी हम ऐसे बना लेंगे, पलट लेंगे। अब देखिए, एक कलर से हमने 2 रो ही इसमें बनानी है। अब यहाँ से हम इस पट्टी को अंदर कर देंगे और अब हम ऑरेंज से बनाएंगे और ऑरेंज की भी ये पट्टी हम इसमें लपेट लेंगे। और देखिए, इससे भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया, लपेट लिया और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। ये देखिए, और ये पूरी रो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। एक एक फंदा हम आगे हर रो में बढ़ाते जाएंगे और पीछे हम फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, पूरी रो उतार ली है। अब देखिए, इस साइड से फिर से हम इसको अंदर करेंगे। हर बार आपने ऐसे करना है और इस पट्टी को ऐसे लपेट लेंगे और एक फंदा हमने बढ़ा लिया। ऐसे इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे और फिर से ये पूरी रो हम इसी तरीके से उतारेंगे। हर बार आपने एक फंदा बढ़ाना है और 2 फंदे पीछे छोड़ने हैं। बिल्कुल सिंपल करना है और एक कलर से हम 2 रो ही बनाएंगे। एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसके लिए को हाफ बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 2 फिर से हमने छोड़ दिए
और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से पूरी रो इसी तरीके से बनाएंगे और फिर हम ये दूसरा कलर लेंगे और इससे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और पीछे दो फंदे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से बढ़ते हुए फंदे भी हम छोड़ते जाएंगे और ऊपर की तरफ एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे मेरे दो फंदे बच जाएंगे, तब तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, एक एक फंदा बढ़ाऊंगी और दो दो फंदे पीछे छोड़ दूंगी और दो रो के बाद कलर चेंज करूंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको दिखाई देंगे अलग से, दो दो करके मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए ऊपर तीन फंदे बचे हुए हैं। तो एक बार आपको मैं दिखा दूँ, अब फिर से हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए एक फंदा फिर से हम बढ़ा लेंगे, ये हमारे दो फंदे फिर से छूट गए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, इस तरीके से कुछ आपकी कली बनेगी। जोड़े से फंदे हमने डाले हैं, जितना भी आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, आप इसी तरीके से बना लीजिए। हाफ कली हमारी ये बन गई है, फंदे हमारे सारे छूट गए हैं। अब देखिए वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम दो का एक करेंगे। आगे हमारे दो फंदे हैं, अब इनको हम ऐड करेंगे, तो हम यही कलर लगाएंगे। ध्यान से देखिए, एक फंदा हमने घटा दिया और ये देखिए ये दो फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। और जब भी फ्रेंड्स आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो आपने इसमें जॉइंट कैसे लगाना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। थोड़ी सी आप इससे बड़ी पट्टी रखिएगा, ये मेरी छोटी रह गई, थोड़ी सी इससे बड़ी पट्टी आप रखोगे और आप उसमें ऐसे इसमें जॉइंट लगा लोगे। देखिए थोड़ा सा आप इसको पकड़ के रखिएगा जब तक जॉइंट हमारा अंदर ना चला जाए। ये देखिए सीधी साइड से उल्टी साइड से दो रो हमारी ये बन गई हैं। आगे हमारे ये कलर है, इस कलर के फंदे हम इसमें ऐड करेंगे, तो आगे अब हम यही कलर इसमें लगा लेंगे। इस पट्टी को अंदर कर लेंगे, ध्यान से देखिए, और इस कलर से दो का, ये देखिए दो फंदे हैं, दो का एक करेंगे। अब हम हर बार एक फंदा घटाएंगे, ध्यान से देखिए, और ये दो फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको गैप लगे तो ऐसे बीच में से एक फंदा उठाइएगा और दो का एक कर देना, बीच का हमारा जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। दो दो फंदे ही हमने इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारी शेप बननी स्टार्ट हो गई है पत्ती की। अब देखिए हमारे ये दो फंदे हैं, ये कलर है, तो दो रो हमारी ये हो गई रेड की। अब हम रेड पट्टी को अंदर कर लेंगे और अब हम इससे यहाँ पे दो का एक करेंगे। ध्यान से देखिए, हर बार आपने एक फंदा जैसे हमने बढ़ाया था इसी तरीके से घटाना है और इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए ताकि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आए। अब देखिए दो फंदे हमने आगे से ऐड करने हैं, उससे पहले देखिए हम ऐसे गैप ख़त्म कर देंगे और ये दो फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ कली में हम दो दो फंदे छोड़ते हैं और आगे एक एक फंदा बढ़ाते हैं, और जब हम ऊपर की कली बनाते हैं तो हम दो दो फंदे इसमें ऐड करते हैं और एक एक फंदा हम घटा लेंगे। तो बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन हमारी ये मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हो, ये हमारी ऊपर से शेप बन गई है और ये देखिए ऑरेंज की ऑरेंज के साथ और इसकी फोम कलर की इसके साथ। और अब आगे हम ये दो फंदे हैं तो देखिए दो रो इसकी हमारी पूरी हो गई हैं। इस बार और ध्यान से देखिए, ये देखिए दो का एक करेंगे इस वाली पट्टी से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी इतनी पट्टी रह गई, तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार इसमें भी हम जॉइंट कैसे लगाएंगे। दूसरी पट्टी
ऐसे हम इसके अंदर रोल कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा इसमें ज्वाइंट लग जाएगा। ये देखिए, और आगे से देखिए दो फंदे ऐड करेंगे, उससे पहले हम बीच का गैप ख़त्म कर लेंगे। एक फंदा उठाएंगे और फिर हम दो का एक कर देंगे। अगर दो का एक नहीं करेंगे तो हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको बनाएंगे, एक एक फंदा आगे से घटाएंगे और दो दो फंदे मैं इसमें से ऐड कर लूँगी। तो मैं इस गली को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन मिली है और एक देखिए हमारी कली बन के कम्प्लीट हो गई है। लास्ट की ये दो फंदे बचे हुए हैं और देखिए फ्रेंड्स दो, ये देखिए जोड़े से गिनूंगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 16 हो गए और एक ये फंदा हमारा बचा हुआ है जिसको हम घटाएंगे। तो पूरे हमारे 16 फंदे हमारे लास्ट में बचे हैं जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे। इतने ही आपके फंदे यहाँ पे होने चाहिए। इसको अंदर कर लेंगे और इससे अब हम एक फंदा हमने फिर से घटा लिया और ये देखिए हमारे बच गए 16 फंदे। बिल्कुल वही रो आ गई हमारी ये जो हमने फंदे स्टार्टिंग में डाले थे। आप फंदे कितने ही भी डालो फ्रेंड, जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा, बिल्कुल सेम तरीका है बनाने का। ये देखिए, और ये लास्ट के दो फंदे भी हम ऐड कर लेंगे, उससे पहले देखिए हम ऐसे इसमें गैप ख़त्म कर लेंगे। तो बहुत ये सफाई के साथ ये हमारा फिर ये बनके कंप्लीट होगा। एक ये लास्ट का भी हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ से भी हमने फंदा उठाया है ये एक चैन सी बनती जाती है, बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं बचता। ये देखिए बहुत सफाई के साथ ही हमारा बनके ये पत्ती कंप्लीट हुई है। तो अब हम दूसरे की स्टार्टिंग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे देख लीजिए। इस रो को हम इस साइड से, अब नीचे की तरफ है हम, तो पूरी रो को मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसे कंप्लीट करूँगी। कई बार चुन्नी है ये हमारे यहाँ पे अटक जाती है ऐसे, तो आप इसको उसको ठीक कर लीजिए। ये देखिए पूरी रो ऊपर तक मैं इसी तरीके से बना लूँगी उल्टा उल्टा। आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हो, मैंने इसमें दो कलर लगाए हैं और आप दो से ज़्यादा भी लगा सकते हो। अगली कली आप अलग कलर से भी बना सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो आप बनाइएगा। ये देखिए अब बिल्कुल इस रो में हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए नीचे भी हमने इसी कलर से फंदे डाले थे, ऊपर भी सारे फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए, सारे फंदे हमारे आगे से घट गए हैं। अब देखिए अगली की हम स्टार्टिंग करेंगे, तो दो रो हमारी ये उतर गई हैं। अब देखिए कलर हमने दूसरा लगाना है ये वाला, और इसी तरीके से हम ऐसे एक फंदा इसमें से ऐसे बढ़ा लेंगे हर बार की तरह। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, इसको ऐसे टाइट करके अंदर कर लेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने बनानी है, हर बार एक फंदा बढ़ाएंगे और पीछे दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए अगली कली की फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग करके बता दी है। कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें दूसरी कली भी बताइए, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये बनेगी जैसे हमने पहली कली बनाई है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए दो फंदे हमने छोड़ दिए और हम पलट लेंगे और ये पूरी रो में उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए अब फिर से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, सेम तरीका है बनाने का। इस पट्टी को अंदर कर लेंगे और इससे हम ऐसे देखिए ऐसे हम लपेट लेंगे और एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको बनाते जाएंगे। और ये जो देखिए जो आपको ऐसे छोटे छोटे ये हमारे ये पीस हैं, तो इनको हम लास्ट में
फिनिशिंग करेंगे जब आप इनको सीजर से काट दीजिए। इसमें कहीं पे भी गांठ नहीं है, ऐसे ही हम इसमें जॉइंट लगा लेते हैं बहुत ही ईजली, जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, फिर से हम लास्ट तक बना लेंगे और दो फंदे छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपने आगे एक फंदा बढ़ाना है और पीछे दो फंदे छोड़ने हैं। दो रो के बाद कलर चेंज कर लेना है। ये देखिए, फिर से छोड़ देंगे, हाफ कली बनाएंगे जब तक हम अपने फंदे बढ़ाते हैं, पीछे फंदे छोड़ते हैं दो दो। और जब ये ऊपर की हम ये वाली कली बनाएंगे तो यहाँ से एक एक फंदा घटाएंगे और इसी तरीके से हम कलर चेंज कर लेंगे। बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी और दो दो फंदे पीछे से ऊपर से ही ऐड करने स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे बना लेती हूँ। बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक इसकी कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर इसकी लुक आई है, आप देख सकते हो, और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।